अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शबे बरात शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को शबे बरात कहा जाता है। बरात का मतलब है निजात की रात, और इस रात की खसूसियत यह है कि इस रात को अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को अपनी खसूसी रहमत से नवाजता है। इस रात में हर अमर का, हर काम का फैसला होता है, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में रिस्क तकसीम फरमाते हैं, और पूरे साल में अपने बंदों से सरजद होने वाले आमाल और पेश आने वाले वाक़ियात से अपने फरिश्तों को आगाह करते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शाबान की 15वीं रात को, इसलिए कि बिल यकीन ये मुबारक रात है। इस रात को अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूँ, और तंदरुस्ती मांगे तो मैं उसे तंदरुस्ती दूँ, है कोई मोहताज जो आसूदा हाली चाहता हो तो उसको आसूदा कर दूँ। चुनांचे सुबह तक अल्लाह ताला यही इरशाद फरमाते हैं, हत्ता के फजर हो जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शाबान की 15वीं रात हो तो कयाम करो और दिन को रोज़ा रखो, तो 15वीं शाबान की शाम को सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान पर नुजूल फरमाते हैं और चार लोगों को छोड़कर बाकी सबकी बख्शिश कर देते हैं। इन चार लोगों में सबसे पहले नंबर पर वो है जो मुशरिक हो, यानी अल्लाह पाक की जात में गैरुल्लाह को शरीक करता हो। दूसरा वो जो अपने दिल में दूसरों के लिए कीना रखता हो। तीसरे वो जो अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक रखते हो। चौथे नंबर पर बदकार औरत और मुसलसल शराब पीने वाला। ऐसा हरगिज़ नहीं कि इन लोगों की बख्शिश नहीं होती, बल्कि सबब यह है कि ये अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तोबा कर लें, क्योंकि तोबा करने की तौफीक भी अल्लाह ताला की तरफ से है। बस तुम्हारे दिल में इस बात का ख्याल आ जाए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गुनाह कर लिए, तो तोबा कर लो। पाक है वो ज़ात जो तुम्हें तोबा करने की तौफीक देगी, तो इस बुरी आदत से तुम्हारा छुटकारा भी मुमकिन बना देगी। बस तुम अपने रब की तरफ रुजू करने में देर ना करो। हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम नहीं जानती कि आज की ये शब निसफ शाबान की शब है? ये रात हजारों रातों से अफजल एक ऐसी रात है जब अल्लाह ताला अपनी मखलूक को बनू कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर गुनाहों को माफ फरमा देता है और दोजख से आजाद फरमाते हैं, सिवाय छह लोगों के। पहला शराब का आदि, दूसरा वालिदैन का नाफरमान, तीसरा जिना करने वाला, और चौथा कता ताल्लुक करने वाला, पांचवा गजनाबाज, और छठा चुगलखोर। एक मरतबा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ी के पास से गुजर रहे थे कि आप अलैहिस्सलाम की नज़र एक अजीबोगरीब झोंपड़ी पर पड़ी। आप अलैहिस्सलाम रुक कर उसे हैरत से देखने लगे। ऐन उसी मौके पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, ए ईसा, क्या इससे ज़्यादा अजीब तुम पर मैं जाहिर ना कर दूँ? अर्ज़ किया, जी हाँ ज़रूर। चुनांचे उस झोंपड़ी में से एक बुज़ुर्ग लाठी लिए हुए बाहर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन बुज़ुर्ग से पूछा, आप कितने अरसे से इस झोंपड़ी में इबादत कर रहे हैं? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, 400 साल से। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ की, ए अल्लाह, मेरा तेरे इस मोजिज़े के देखने के बाद ये गुमान है कि इस बंदे से ज़्यादा इबादत गुजार बंदा कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए ईसा, मेरे महबूब के उम्मती का 15 शाबान की रात को 2 नवाफिल अदा कर लेना इस बुजुर्ग के 400 साल की इबादत से ज्यादा अफजल है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निसफ शाबान की आधी रात को जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और अर्ज करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अपना सर मुबारक आसमान की तरफ उठाइए। मैंने उनसे दरियाफ्त किया कि ऐसा क्यों, इस रात में ऐसा क्या होता है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
फरमाया, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देते हैं और हर उस इंसान को बख्श देते हैं जिसने उसके साथ कोई शरीक न ठहराया हो, बशर्त ये कि वो जादूगर ना हो, सूद खोर ना हो, जानी ना हो, शराब का आदि ना हो। इन लोगों की अल्लाह ताला उस वक्त तक बख्शिश नहीं फरमाते जब तक कि वो तौबा ना कर ले। माह शाबान की इस मुबारक रात के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए आयशा, क्या तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, बताइए कि इसमें क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की फजीलत यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा, जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है, और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इस काम की इत्तला दे दी जाती है, और जितना रिस्क मखलूक को इस साल में मिलेगा तमाम का तमाम लिख दिया जाता है। और इस 15वीं रात को सूरज डूबते ही अल्लाह ताला इस दुनिया पर जो आसमान हमें नजर आता है उस पर तशरीफ ले आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, हे कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो, रिस्क चाहता हो, मुसीबत का मारा हो, दुआ करे तो मैं उसकी मुसीबत को दूर कर दूंगा। इसी तरह सुबह होने तक इरशाद फरमाते हैं, बस बंदों को चाहिए कि इस रात को खूब इबादत करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और 15वीं का रोजा रखें। अल्लाह ताला इस रात को अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से बेशुमार बंदों को बख्श देता है, मगर काफिर, मुशरिक, कीना रखने वाले और कातिल को नहीं बख्शते। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, एक रात मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया तो मैं परेशान हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में घर से बाहर निकली। मैं क्या देखती हूँ कि आप बकी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक आसमान की तरफ उठा हुआ है। उस रात अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर लोगों को जहन्नुम से आजाद करते हैं। फिर फरमाया कि क्या तुम आज रात मुझे इबादत की आजादी देती हो? मैंने अर्ज किया, जरूर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का आगाज किया और कयाम में तख़फीफ कर दी, सूरह फातिहा और एक छोटी सी आयत पढ़ी और फिर आप सजदे में चले गए। फिर आधी रात तक सजदे में रहे, फिर खड़े होकर दूसरी रकात पढ़ी और पहली रकात की तरह इसमें भी किरात फरमाई और छोटी सी सूरत पढ़ी और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा सजदे में चले गए। ये सजदा सुबह तक जारी रहा। मैं ये सब कुछ देखती रही और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे में गए हुए बहुत देर हो गई तो मुझे अंदेशा हो गया कि कहीं अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को कब्ज तो नहीं कर लिया। फिर जब मेरा इंतजार तवील हो गया, बहुत देर हो गई, तो मैं आपके करीब पहुंची और मैंने जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलों को छुआ तो आपने हरकत फरमाई। मैंने खुद ये सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे की हालत में ये दुआ फरमा रहे थे, इलाही, मैं तेरे अजाब, तेरी अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी रजा की पनाह में आता हूँ, तुझी से पनाह चाहता हूँ, तेरी जात बुजुर्गो बरतर है, मैं तेरी शायान शान सना बयान नहीं कर सकता, तू आप ही अपनी सना कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सुबह को मैंने अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात आप सजदे की हालत में ऐसे कलिमात अदा फरमा रहे थे कि वैसे अल्फाज अदा करते हुए आपको मैंने कभी नहीं सुना, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुमने अदा कर लिए? मैंने अर्ज किया, जी हाँ। आपने फरमाया, खुद भी याद करो और दूसरों को भी सिखा दो, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे सजदे की हालत में इन कलिमात को अदा करने का हुक्म दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने शाबान के महीने की एक ऐसी मुबारक रात के बारे में बात की, इसकी फजीलत के बारे में अहादीस की रोशनी से आपको आगाह किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।